चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। टॉपिक ऊर्जा बैंड के पदों में पी प्रकार की अर्धचालक की व्याख्या। पी टाइप्स सेमीकंडक्टर ऑफ एनर्जी बैंड। जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, इडियम आदि अशुद्धियां मिलाई जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धियां मिलाने पर होल प्राप्त होते हैं। ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। उष्मीय प्रक्षोभों के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके आसानी से उत्तेजित होकर ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं। ये होल धनावेशित कणों की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहु संख्यक आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर। नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। पहला, बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। पहला, अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक में दूसरा, नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व के बराबर होता है। बाह्य अर्धचालक में दूसरा, इन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है। तीसरा, इसमें विद्युत प्रवाह सहसंयोजक बंध टूटने के कारण संभव होता है। इसमें विद्युत प्रवाह शुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है। अगला टॉपिक, पीएन जंक्शन, पीएन संधि। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार डोपिंग किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक तथा आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो तो संपर्क पृष्ठ को, जो क्रिस्टल को दो भागों में बांटता है, पीएन संधि कहते हैं तथा इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। अवक्षय पर्त। पीएन संधि के दोनों क्षेत्रों में विभिन्न आवेश वाहकों की सांद्रता भिन्न 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 होने के कारण होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होने लगते हैं। जब होल इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता। इसमें केवल स्थिर आयन ही होते हैं। इस परत को अवक्षय परत या हासी परत कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। रोधिका विभव या प्राचीर विभव, बेरियल पोटेंशियल। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। रोधिका विभव का मान अर्धचालक की प्रकृति, डोपिंग की मात्रा एवं ताप पर निर्भर करता है। पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक पीएन संधि डायोड होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं। बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए इसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं। इस डायोड में पी क्षेत्र को एनोड तथा एन क्षेत्र को कैथोड कहते हैं। इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि के संकेत एनोड, पी क्षेत्र को एनोड
और एन क्षेत्र को कैथोड कहते हैं। अग्र अभिनति बायस विद्युत परिपथ, ये विद्युत क्षेत्र के केल्विन पीएन मिली अमीटर वी आई अभिलाक्षणिक वक्र वी और आई के बीच खींचा गया है। दूसरा है पच अभिनति बायस विद्युत परिपथ अभिग्राही वक्र,